इसका जल जाता है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 95% लोग सूर्य नमस्कार गलत है। तो सूर्य नमस्कार का एक बार देखेंगे आप लोग, थोड़ा बहुत अंतर हर जगह है सूर्य नमस्कार का, उसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन हम किसी भी प्रकार का सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें आसन की स्थिति में भूल नहीं है। कार का डिजाइन अलग अलग हो सकता है लेकिन कार की फंक्शनिंग बदल जाती है, फिर कार कबाड़ा हो जाता है क्या। तो पूरा अगर देखिए तो मैं अपना अंग वस्त्र भी साइड रखता हूं, समय स्थिति में है, पहली स्थिति में नमस्कार, यहां से है जितना कम डिस्टेंस में मस्त। कई लोग कत्थक करते हुए उतना ज्यादा नहीं जाना है, सीधा है ठीक है, फिंगर ओपन रहेगा, सूर्य कुंड यहाँ पे बैठा है, सौका से सूर्य कुंड कहेंगे यहाँ पे, यहाँ से दोनों हाथ को खोलने में छाती के बराबर। कई लोग बांध के रखते हैं तो छाती नहीं हुआ कि ये बल सफाट ओपन नहीं दिखता, इसलिए हाथ को खोल के और पगे के नीचे दबा के रखने के बाद थोड़ा कई लोग पेड़ उठे से ज्यादा तो फिर कमर पे प्रेशर आ, तो पांव को सीधा रखना है, नीचे पंजे को दबाना है, जड़े उखड़े नहीं हमारी और सिर पीछे के दर्द में दृष्टि को लेके रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को देखिए सीधी रखेंगे। आप कैसे जाएंगे मैक्सिमम लोग, तो कैसे जुटेंगे अगर इस तरह से बैठ जाएंगे हम, तो ये मुड़ना कहाँ से, ज्वाइंट कहाँ है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं कर सकते हो, जिसको यहाँ से मुड़ जाएंगे, मेरा घर है तो मैं यहाँ से मुड़ूंगा ठीक है। इस जहां दिक्कत लगेगी बैक में डिस्कम्फर्ट है, बैक है लेकिन स्पाइन को सीधी रखना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे चिपका देना, टीचर ही करते सिर लगाओ सिर लगाओ, सिर लगाने से मोक्ष नहीं है, एक वैधानिक किताब नहीं है। इसलिए जहां है सहज है तो आप मोक्ष के अधिकारी, इसलिए अगर हम यहां पे नहीं आते हैं कंफर्ट में रहे, धीरे धीरे शरीर को ड्रॉप करेंगे, यहां से इनको पीछे ले जाए और 90 डिग्री बनाए। टीवी पे अगर देखते होंगे तो इस तरह की सिचुएशन आपको दिख जाती होगी, वो रॉन्ग हेयर काम करती है, ये 90 डिग्री जैसे आएगा आपके आउटर साइड में दूसरे लेग में ज्यादा स्ट्रेच आएगा, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी वीक होगी ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। और इस तीनों को सामने रखेंगे, पांव के पुलिया अंदर या बाहर रख सकते हैं, बाहर आने से स्ट्रेचिंग और बढ़ेगी। अब यहां से पांव के अंदर अंदर किए घुटना उठाए और हाथ नीचे रखे दंडा, सिर्फ पांव पीछे के मेरा कंधा वही है, तो ज्यादा लोग क्या करेंगे पहले आगे पीछे फिर जाएंगे आगे फिर आए, तो वैसा ना करके बस पांव उठाया और एक पांव पीछे ले गए कंधे के सामने, दृष्टि सामने नहीं देखना, स्पाइन में एक आए कमर झुका रहता है, कमर पोजीशन है इसको उठा करके नहीं तो रिस्ट पे प्रेशर आए, यहां से उठना छाती मस्तक पहले उठना गिरा है, एल्बो को बॉडी के साथ रखा, कई लोग ऐसे रहते हैं कि प्रेशर है इसको चिपका है नीचे रहे चेली रहा जाए, पंजा नीचे दबा है, श्वास भरे पीछे के तरफ जाए,
और फिर सामने से ही बाहर आएगा ऑडियंस जैसे गए उसी यहां तो किसने बाहर आया उठो सूरत हाँ सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो गया दोनों पांव डाले मैं आपके बीच में हूं और मैं ऐसे लोगों को पकड़ के मंजिल लाऊंगा और मजाक करूंगा जो सबसे गलत करेंगे ठीक है तो इसीलिए मंच पे आने के शौकीन वाले तैयार है वन प्रणाम सिस्टम पांव डाले इनको पांव मिलाने में दिक्कत हो उनको छूट ओ मित्राय नमः टू श्वास भरे हाथ खोल के रखे पीछे जाए से पीछे आंखें खुली हुई बहुत सुंदर एक्सहेल श्वास छोड़ दे आगे की ओर स्पाइन सीधी नी बेंड कर सकते हैं नी की छोट स्पाइन सीधी रखें बहुत सुंदर फिर नीचे समर्पण कर दे धरती मां की सरेंडर अब यहां से राइट लेग पीछे ले जा लेफ्ट 90 डिग्री जो चुप हो चुकी थी हो चुकी है अब नहीं हो ठीक है घुटना पीछे रह सकते हैं अगर टिकट हो अब दूसरे फिट पर ले जाएंगे 90 डिग्री आपका नहीं होगा दंडासन श्वास रोकेंगे दृष्टि मैट पे नहीं मैट से बाहर कर देंगे श्वास छोड़े घुटना छाती मस्तक एल्बो बॉडी के साथ थके आए बहुत सुंदर दो लोगों के एल्बो बाहर जा रहे हैं अंदर रखें उंगलियां खुली हुई रखें श्वास लेते हुए इन्हेल आगे बढ़े भुजंगासन थोड़ा सा दया करके अपने एल्बो को नजदीक लाइए हाँ एल्बो बैंड कर दीजिए नीचे आइए हाँ एल्बो बैंड रहना चाहिए हाथ सीधा जिनका है गलत है माल्यार्पण करा देंगे आपका ठीक है एक्सहेल अधोमुख श्वान आसन वाह बड़ा फ्लो आया है ये बच्ची देखिए कितना अच्छा कर रही है लेफ्ट लेग राइट लेग राइट लेग के सॉरी राइट लेग को सामने दाहिना हाँ और थोड़ा सा सीधा और घुटना बाहर है यस अब लेफ्ट हाई पे पड़ा स्ट्रेचिंग बढ़ी हाँ एक्सहेल दूसरा पांव सांस छोड़ करके सिर नीचे हाथ को आगे बढ़ाएं स्पाइन सीधी चाहिए सीधी स्पाइन ऊपर फिंगर खुली हुई उंगलियां खुली हुई एंड रिलैक्स नमस्कार पोजीशन हाथ नीचे सही करेंगे तो 108 पे एक भारी है ना सूर्य नमस्कार 108 करने की जरूरत है क्या बिल्कुल नहीं एक उदाहरण देता हूं आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि बोलेंगे आप बोल देंगे 108 नहीं करना दूसरे गुरु जी आएंगे बोलेंगे 108 करना अपने लोग क्या करें क्या मानेंगे लेकिन समझ विकसित कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या कह रहा है क्यों कह रहा है इसके पीछे का महत्व क्या है मानना है क्या नहीं मानना तो जैसे अगर मैं बोलूं कि रोटी घी चावल सब्जी सब में ज्यादा कैलोरी किसमें सबसे ज्यादा घी में तो घी में सबसे ज्यादा कैलोरी है तो खाली घी ही खाते हैं क्या अगर खाली भोजन में घी मिले और कुछ ना मिले शुद्ध घी आपके घर आए गुरु जी सबसे बेहतरीन चीज घी लाया हूं आपके लिए खाइए जितना खाना है पूरा 1 लीटर रखा हुआ कैसा रहे दुर्दशा हो जाएगी कि अच्छा रहे तो बस ऐसा ही होता है जब आप सिर्फ घी खाते हैं सूर्य नमस्कार की घी आपके सेहत पे भारी इसीलिए कोई भी अति में नहीं करना योग की परिभाषा गीता में क्या है क्या है देखिए रुद्र लोग आ गए समत्वम योग यानी संतुलन कि जो चीज करो संतुलित होकर करो या योग या तो ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है न कम खाने वाले इसलिए उपवास करके योग करें तो नहीं होगा या योग ना तो ज्यादा सुनने वाले का सिद्ध होता है ना कम सुनने वाले का तो कृष्ण कहते हैं कि हे मधुसूदन फिर यह योग किसका सिद्ध होता है
एक बार बताइए श्री कृष्ण वाच कि यह योग यथा आहार विहार करने वालों का ही सिद्ध होता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सप्राबोधस्य योगो भवति दुःख। यह योग तुम्हारा दुख हरण करेगा, लेकिन संतुलन में रहना, कोई दौड़ाए बचना, कोई एक स्वार्ड पकड़ा दे तो ठहरना, क्योंकि योग स्थिरम सुखम है, गुड़ दौड़ नहीं है। क्या है स्थिरम सुखम? तो आपको कोई ऐसे करवाता है तो आपके दिमाग में नहीं आता कि क्या ये स्थिरम है, क्या ये सुखम है? आता है क्या ये स्थिरम सुखम है कि हम किसी आसन में जाए और शांत होकर के बैठे रहे, लगाए आसन और स्माइल देते रहे। थरम बहुत बड़ी चीज है।